हेलो, मैं हूँ कौशिकी द्विवेदी फ्रॉम क्लिनिक निर्वाणा. मैं हूँ गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे और हूँ मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन पे, जो कि बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का, और समझेंगे हम इसके साथ में फॉलिकुलर ट्रैकिंग, जो कि अल्ट्रासाउंड स्कैन से की जाती है. इसी के कंटिन्यूएशन में हम फिर बात करेंगे IUI की, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में. तो ओव्यूलेशन इंडक्शन क्या होता है और किसके लिए होता है? जो सबसे कॉमन रीज़न इनफर्टिलिटी का है फीमेल्स में, उसमें एग प्रोडक्शन, जो कि ओवरीज, हमारी ओवरीज होती हैं, अंडाशय होती है, जो हर महीने एग बनाती है, मोस्टली एक एग, कभी कभार दो एग. तो अगर उसमें किसी तरह का डिसफंक्शन हमारी बॉडी में आ जाए, जो कि सिर से लेकर नीचे तक कहीं पे भी हो सकता है, देयर आर वेरियस सिस्टम जो कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे होते हैं कि ओव्यूलेशन हमारी बॉडी में हो, जिसके बगैर की कंसेप्शन हो ही नहीं सकता है. तो अगर उसमें हम पाते हैं कि किसी भी कारण से ठीक से अंडा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो इररेगुलरली हो रहा है, उस सूरत में हमें मदद करनी पड़ती है. जो फीमेल पार्टनर होता है, उसकी मदद करनी होती है अंडा बनाने में, और उसको किया जा सकता है मेडिसिंस के ज़रिए. मेडिसिंस दो तरह की होती हैं. एक होते हैं ओरल मेडिकेशन, जिसको कि जो जिसके दो वैरायटी कॉमनली यूज्ड होते हैं. एक है क्लोमिफीन साइट्रेट, जो कि कई सालों से, कई डिकेड से यूज़ किया जा रहा है, और दूसरा है लेट्रोजोल. इसके अलावा और भी ओरल मेडिकेशंस हैं, बट दीज आर द टू कॉमनली यूज्ड वन. और इसमें लेट्रोजोल के ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स पाए गए हैं. तो उसको दिया जाता है पीरियड्स, जैसे आपके पीरियड आए उसके डे सेकेंड या थर्ड से स्टार्ट करके 5 दिन आपको दिया जाता है. कई बार थोड़ा एक्सटेंडेड भी दिया जा सकता है. और ये क्या मदद करता है आपको? एक हार्मोन होता है FSH, उसका लेवल बॉडी में बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण से अंडे बनते हैं. और हमें फिर ये कन्फर्म भी करना होता है कि वो अंडे बन रहे हैं कि नहीं. इन ओरल मेडिकेशंस के अलावा एक और सेट ऑफ मेडिसिंस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स इंजेक्टेबल होते हैं, स्लाइटली कॉस्टलियर होते हैं, बट दिस इज़ डायरेक्ट सोर्स ऑफ FSH. ओरल वाले में हम क्या कर रहे थे, हम ओरल मेडिकेशन देते हैं और वो इनडायरेक्टली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, जो कि फॉलिकल्स को डेवलप करने में मदद करता है. वाइल गोनाडोट्रोपिन जब हम देते हैं तो हम डायरेक्टली FSH दे रहे हैं, वो डायरेक्टली मदद करता है एग बनाने में. सो ये दो तरह के मेडिसिंस यूज़ किए जाते हैं. दोनों के दोनों जो हैं, उनका हमें इफ़ेक्ट बॉडी में क्या आया है, उसको फॉलो करना होता है बाय फॉलिकुलर ट्रैकिंग, जो अल्ट्रासाउंड स्कैन से होता है. यूजुअली हर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का प्रोटोकॉल वैरी करता है. सो यूजुअली डे 7th, 8th, 9th पे लोग फॉलिकुलर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि आपका एग जो है वो कब 18-20 मिलीमीटर्स के करीब पहुंचता है. जब भी 18-20 मिलीमीटर्स के करीब पहुंचता है, तो उसके आसपास में एक इंजेक्शन आपको लगता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर, विच कैन बी एन इंजेक्शन विच इज़ कॉल्ड HCG, जो एक सिंपल एक डोज का इंजेक्शन होता है वो, या GnRH एगोनिस्ट होता है वो लगाया जाता है. एंड यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके 36 घंटे के बाद में एग रिलीज होगा, और उस टाइम पे कपल को ये कहा जाता है कि भई आप इंटरकोर्स कीजिए, दैट इज़ व्हेन यू आर मोस्ट लाइकली टू कंसीव. और उसके बाद में आफ्टर ऑलमोस्ट 48 आवर्स और सो, एक और अल्ट्रासाउंड स्कैन करके ये कंफर्म कर लिया जाता है कि एक्चुअली ओव्यूलेशन हो गया है कि नहीं, क्योंकि एग बनना ही ज़रूरी नहीं है, उसका रिलीज होना भी ज़रूरी है. तो वो आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिखाई देता है, और इसी सिंपल सी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड फॉलिकुलर ट्रैकिंग बोलते हैं. तो मेरे हिसाब से शायद ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा, और हम कवर करेंगे IUI को अगले वीडियो में, जिसके लिए कि आपका ओव्यूलेशन इंडक्शन वाला ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है.
तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन IUI. बाय.